जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मंत्री जगमाल सिंह के पुत्र चंद्रशेखर यादव ने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार दलितों का दमन कर रही है। बुधवार को पत्रकारों से वार्ता करते हुए यादव ने कहा कि 2 मई को आरक्षण आंदोलन के दौरान सरकार आंदोलन को कुचलने के लिए सक्रिय हो गई। सरकार के इशारे पर दलित नेताओं के खिलाफ विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज किए गए और उनकी गिरफ्तारियां की गई। दलितों पर यह सरकार का अत्याचार है। इसके बावजूद भाजपा सुशासन के नाम पर दलितों की हमदर्द बनने का दिखावा कर रही है। यादव के अनुसार भाजपा का यह दमन चक्र अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सत्तारूढ़ प्रादेशिक और केंद्रीय सरकार वोट लेने के टाइम तो ये कहती है कि हिंदू एकता, हम सब हिंदू हैं, पर वोट लेने के बाद, सरकारें बनने के बाद उन्हीं के साथ इतना उत्पीड़न, उतना अत्याचार कि उनको घरों में बंद कर दिया कोई मिलने आए तो, गिन गिन के चुन चुन के उनके बच्चों को जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कहीं की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों का नाम डाले जा रहे हैं 100-100 नामों। ऐसा क्या हो गया? आंदोलन आज से पहले भी मैं ब्राह्मण समाज ने किया, गुजर समाज ने किया, जाट समाज ने किया, लेकिन ऐसा उत्पीड़न किसी समाज के साथ नहीं है। क्या सर कह सकते हैं कि सरकार की तानाशाही चल रही है? तानाशाही जब संविधान का राज खत्म हो जाता है, कानून का राज खत्म हो जाता है, तो सिर्फ जंगल राज और तानाशाही बचती है। उन्होंने कहा कि जल्द ही चुनाव में आमजन भाजपा को सबक सिखाएगा। जनता दल नेता ने विधायक जिग्नेश के खैरतल आने पर मृतक के परिजनों को उनसे नहीं मिलने देने के प्रयासों की कड़े शब्दों में निंदा की। हमारे पड़ोस के राज्य गुजरात से एक दलित विधायक माननीय जिग्नेश मेवानी जी खैरतल के एक शहीद लड़के पवन जाटव जो पुलिस की गोली से मारे गए थे 2 तारीख के भारत बंद में, उनके परिजनों से, जल्लाराम जी से जो MPS है, एक गणमान्य व्यक्ति है, उनसे मिलने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए उनके घर जाना चाहते थे, जिसके विरोध में सरकार ने रात को 12 बजे धारा 144 लगा दी, सारी दमनकारी नीतियां अपनाई, जल्लाराम जी के घर को ताले लगा के सीज कर दिया ताकि कोई वहां आ नहीं सके, जा नहीं सके, उनको मिलने नहीं सके। ये सब चीजें पड़ी, अब तक हम भी इसलिए चुप थे कि एक आंदोलन हुआ था, उसमें कुछ छोटा मोटा गलत हुआ, सही हुआ, सरकार अपने हिसाब से निपट रही थी, अपने स्तर पे निपट रही थी, लेकिन जब आंदोलन के 1.5 महीने बाद भी कोई अगर सांत्वना देने आता है तो उनसे भी अगर नहीं मिलने दिया जाए, उनके साथ भी दमनकारी नीति अपनाई जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब संविधान और कानून का राज इस देश में बचा नहीं है, लाठी का राज ये लोग अपने दम पे चला रहे हैं, अपनी ताकत पे। इस लाठी के राज के खिलाफ हम दलित भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। आज के बाद मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, आज के बाद इस अलवर जिले में दलित समाज के साथ, किसी व्यक्ति के साथ कोई भी दमनकारी नीति अगर इस सरकार ने अपनाई, जो अन्य FIRों में 100-100 अन्य नाम डाले हुए हैं, किसी भी FIR में, किसी भी थाने में 100 अन्य के साथ FIR दर्ज है, उसमें गिन गिन के चुन चुन के टारगेट किया जा रहा है एक्टिव आदमी को, जो थोड़ा बहुत समाज के लिए उठता बैठता है, भागता फिरता है, उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। अब ये अगर ऐसी दमनकारी नीतियां हुई तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जनता दल यूनाइटेड की पूरी फोर्स और बिना जनता दल यूनाइटेड के भी जितने भी हमारी विचारधाराओं से सहमत व्यक्ति इस जिले में है, सबके सब एक छत्र के नीचे खड़े होंगे दलित समाज के सामने, सरकार के आगे, सरकार से, दलित समाज से पहले सरकार के आगे हम खड़े होंगे, और सरकार ने अगर उंगली भी उठाई, उंगली तोड़ के भेंट कर दी जाएगी।